करुणा शंकर चौबे वाराणसी जी, बताइए क्या है माहौल इस बार चुनाव का? जोगी जी आ रहे हैं बम्पर सुपर, और जोगी का कोई जवाब नहीं है। देखिए मैं भाजपाई नहीं हूँ, पहली बात। उनके कुछ काम प्रशासन नंबर वन, प्रशासन नंबर वन और एजुकेशन, रोड। अभी हम विश्वनाथ मंदिर दर्शन करके आ गए। 1982 से मैं बनारस में हूँ। 1982 से मैं बनारस में मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। उस समय भी हमने बनारस को देखा है। और ये 2021 में भी मैं बनारस को देख रहा हूँ। तब से आज तक वहाँ आदर्श कॉलेज में पढ़ता था, राजघाट से पैदल जाता था। आज भी मैं अभी आ रहा हूँ। क्या रोड और क्या वो गुदवलिया बन गई है, जोगी का कोई जवाब नहीं। और कुछ उदाहरण मैं दे दूंगा, इसी लंका प्रशासन का। मेरे भाई के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, सही कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए का गमन हुआ, जिसका प्रमाण है यहीं पर। और तत्काल प्रशासन से कहा, हम लोगों ने हेड से कहा, उसकी जांच हुई और तुरंत अरेस्टिंग हुआ। आज तक अभी उसका जमानत नहीं हुआ है और केस हाई कोर्ट में चल रहा है। और ये सत्य घटना है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई जवाब नहीं भैया, कोई जवाब नहीं। राम राज्य है, राम राज्य है, महंगाई वगाई से है, महंगाई एक यूटोपियन विजन कहा जाता है हिस्ट्री में। थोड़ा सा हम लोग यूटोपियन विजन मतलब जिसकी कल्पना की जा सकती है, नॉट पॉसिबल। वैसा तो मैं क्या कहूँ, नहीं हो सकता है, लेकिन राम राज्य के करीब जा रहे हैं हम लोग। राम राज्य के करीब जा रहे हैं, मतलब राम राज्य जैसे लग रहा है आने वाला है एकदम। मेरे बेटी का अभी मोदी जी का विजन है। एक मिनट और सुन लीजिए, मेरे बेटी का अभी मेरे बेटी का अभी यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है। 2017 में उसने एग्जाम दिया था और उसका इंटर कॉलेज में एज ए लेक्चरर हुआ है यहाँ ओबरा, कोबरा क्या कहलाता है, ओबरा में यहीं पर, जो कि कमिश्नरी हॉल में उसे ज्वाइनिंग लेटर मिला। इसका भी प्रमाण है, मेरे मोबाइल में है, अभी मिला। उसमें एको पैसा नहीं लगा भैया, उसमें एको पैसा नहीं लगा। और वो अभी ज्वाइन की।